और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? आज बहुत दिनों बाद मैं आप सबके साथ एक वीडियो में हूँ, और ये एक छोटा सा मेरा व्लॉग है। व्लॉग में ये समझ लो, मैंने आपको आज इस वीडियो में मेरे को क्या दिखाना है वो मैं आप समझ ही गए होगे। मेरा ये है सेटअप टूर, जो बहुत दिनों से कमेंट आते कि सेटअप टूर दिखा दो भाई आपका, कि सेटअप टूर क्या है। तो आपको आज इस चैनल का सेटअप टूर देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको दोबारा बाहर से दिखाता हूँ क्या है इस वीडियो में। देखो भाई, ये मेरा एक छोटा सा एंट्री गेट है। मैं पूरा घर नहीं दिखा सकता अपना भी, मैं दिखाऊंगा किसी वीडियो में। ये मेरा छोटा सा अभी एंट्री गेट है, इसको आप एंट्री गेट समझो। मैं इसमें अंदर आके पहले गेट बंद करूँ, क्योंकि बाहर का नॉइज़ बहुत तेज़ हो रहा होगा। तो फिलहाल मैं एक बार इसका गेट बंद करता हूँ। लो, गेट मैंने बंद करा। अब देखो, ये एक छोटा सा गेट था मेरा, ठीक है। ये गेट के बाद ऊपर मैंने चारों तरफ लाइट लगा रखी है। यहाँ पर एक मैंने मेन बल्ब रखा है, जो रोशनी पीछे मेरे को बैकग्राउंड से मिले, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमारा फ्रंट क्या, बस छोटा सा है, इतना बड़ा कैबिन नहीं है मेरा, पर मैंने जितने में भी एडजस्ट करा, कोशिश करी घर के अंदर जगह निकाल के बनाया मैंने इसको। नीचे देखो, मेरा नीचे की साइड देखा जाए तो नीचे कुछ भी नहीं बिछाया मैंने, अभी ऐसे मैट टाइप का पड़ा था वो बिछाया। बाकी नीचे मेरे को एक ग्रीन कलर की, आपने देखी होंगी घासें होती हैं, वो बिछानी है, जो कि पूरे फर्श पे, जो साइज़ है मेरा 5x4 का है, तो इस साइज को पूरा लेकर मैं एक ग्रीन कलर की घासें, जो नकली टाइप की होती है, वो लेके आऊंगा। और टेबल पे भी बिछाना है, पूरा टेबल जो है इस पे ग्रीन कलर की घासें लगेंगी, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पे मैंने अपने सब कुछ चीज़ें रख दी है जो मेरे को सेटअप पे काम आएंगी। मेरे दो छोटे छोटे स्पीकर भी रखे हैं, ऊपर भी रखे हुए हैं यहाँ पर स्पीकर। रही बात, मेरा यहाँ चार्जर भी है, और ये हमारे एम्पलीफायर का जो रिमोट होता है ऑन ऑफ का, वो पड़ा हुआ है। ये है हमारा लाइटिंग का रिमोट, जो कि बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि इस रिमोट में भाई सबसे बड़ी खासियत, मैंने यहाँ पे ना एक देखो सामने की साइड एक छोटा सा सेंसर दिया है रहा। ये सेंसर है लाइटिंग का, जो कि देखो अभी मैं ब्लू जल रही है लाइटें, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये रेड होगी। देखो, ये रेड भी अच्छा लगता है देखने में, आपको बाहर से इतना पता नहीं चल रहा हो वीडियो में, बट रेड भी बड़ा अच्छा है। वैसे मैं फ्लैश पे चला रहा था अभी इसको, लो फ्लैश पे देखो इसकी मैं ब्राइटनेस भी तेज, स्पीड जो है वो तेज भी कर सकता हूँ। देखो, पूरा मैंने दबा के रखा, अभी बहुत तेज हो गई, पर तेज में वो मज़ा नहीं जो कि होना चाहिए, तो मैं इसको धीरे रखता हूँ। फिलहाल एक पर्टिकुलर ग्रीन कलर या तो ब्लू ही ले लेते, चलो ब्लू पे रखा, इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी। अब यहाँ पर मेरा रेडमी का फ़ोन, जो मैंने आपको बताया हमेशा मैं रेडमी के फ़ोन में खेलता हूँ, ये आईफोन भी रखा हुआ है, आप समझ जाओ किसका है। कमेंट में ज़रूर बताना किसका है ये आईफोन, ठीक है। यहाँ मैंने अपना वाईफाई भी लगवा दिया, जो बहुत दिन से नहीं लग रहा था, इस चक्कर में मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था। आज मैंने कोशिश करा वाईफाई लगवा, चेंज करा है, क्योंकि इस रूम में मेरे को वाईफाई की वायर लाइन थी जो कि नहीं आ रही थी। यहाँ मैंने एक छोटा सा बोर्ड दिया है जो कि वाईफाई को पावर दे रहा है, और ये बोर्ड के साथ मैंने एक बटन दिया है। आप सोच रहे हो कि ऑफ है फिर भी बोर्ड चल रहा है, वो डायरेक्ट पे मैंने करा। इस बटन से मैंने ये कॉर्नर में जो लाइट दिख रही है ना, इसका बटन है ये, इसको अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये देखो छोटी सी एक रोशनी हुई ना इस बल्ब से हुई। अब ये देखो मेरा पूरा रूम कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने ये अकोस्टिक पैनल जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें यूज़ करी हैं दीवार में। ये चीज़ देखो कितना अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, गद्दे टाइप का। ये मैंने पूरे रूम में दिया, अपने छत पे, नीचे, ऊपर, बस नीचे एक मैट बिछाना है, वो ज़रूर मैं बिछाऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये अकोस्टिक पैनल चाहिए हो तो मैं आपको जगह भी बता दूंगा, दिल्ली में ही है, करोल बाग एक जगह है, वहाँ पर आप ले सकते हो। तो किसी को भी अगर लगाना हो तो साउंड प्रूफ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे इसमें मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर जाती है, रही बात, बट बाहर की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, बट वो एडजस्ट कर लेंगे हम। तो यही था भाई हमारे आज की वीडियो में आप सबके लिए, एक छोटा सा मेरा सेटअप टूर था। बहुत दिनों से कमेंट भी थे कि भाई एक बार सेटअप टूर तो दिखा दो अपना कैसा है। तो देखो भाई, मेरा यही छोटा सा एक कैबिन है अभी के लिए फिलहाल, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मैं बनाया 3-4 दिनों में, जो मैं ऑफलाइन था, इतने दिनों से नहीं आ रहा था, यही सेटअप टूर बनाने के लिए मैं ऑफलाइन था। तो अब मेरा ये पूरा सेटअप टूर रेडी हो चुका है। फिलहाल मैं लाइट ऑफ रखता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को लाइट ऑफ में। यहाँ पे मेरी एक आएगी गेमिंग चेयर, जो कि अभी नहीं ले सकता। तो चेयर लेने के बाद भाई, जो कि अभी नॉर्मल कुर्सियाँ होती है, उसी पे बैठ के मैं काम चलाऊंगा अभी। तो यही लाइव स्ट्रीम करना है, इन्हीं फ़ोनों में करना है जो मेरे पास फ़ोन पड़े हैं बस। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही है। फिलहाल मैं आपको एक गाने की आवाज़ ज़रूर लास्ट टाइम जाते जाते सुना के जाऊँगा, तो मैं फिलहाल गाने ही बजा रहा था। मैं यहाँ पर कहीं 3 मिनट के आसपास था, कोल्ड गाना हमारा। Everybody knows I ain't faking, the doubt creeping. तो यही से सुन लो आवाज, देखो क्या मजा है, सुनो। सुनो भाई क्या मजा है, लाइटिंग के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं इसको फ्लैश पे रखता हूँ अभी, फ्लैश बहुत तेज है, इसकी स्पीड धीरे कर दे, धीरे हो रहा है। तो ये फुल धीरे हो गया।
ग्रीन हो नहीं रहा भाई, सॉरी ग्रीन पे ही होगा ना, हाँ हुआ, मैं वही कह रहा हूँ ग्रीन क्यों नहीं हो रहा था। तो अच्छा लग रहा है ग्रीन में भी, ये ब्लू देखो कभी कभी काम नहीं करता इसका सेंसर, फोका पिटी में काम करता है। देखो ब्लू ब्लू जा, ब्लू भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब रात से भाई मैं इसी रूम में बैठा, मैंने भाई मेरा पंखा पंखा नहीं है इस रूम में, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, फैन नहीं है भाई, सही में फैन के बिना भाई इस रूम में ना घोटन हो रही है। तो मैंने सोचा है ना ऊपर का जो मेरा शेड है छत है इस पर एक छोटा सा मैं पंखा रखूँगा, या तो सामने की साइड इधर जो जगह खाली है ना इस पर दे दूँगा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में आज सबके लिए इतना ही है, तो फिलहाल वीडियो में बने रहना भाई, ठीक है, मिलते हैं आपको लाइव स्ट्रीम में आज रात की। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।